अब नेक्स्ट है आपका यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अब यूज यूडीपी के करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक आपके पास जो क्राइटेरिया वो है, सबसे पहले एंड टू एंड जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसको आप कहते हैं कि आप ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं, और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन के लिए ये अगर आपको बैक में मिल जाएगा एंड टू एंड कम्युनिकेशन का। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होगा कनेक्शन लेस से, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यूडीपी का जो करेक्टरिस्टिक का सबसे मेन पार्ट ये है कि वो कनेक्शन लेस होता है, क्योंकि इसको किसी किस्म की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं आती। और जाहिर सी बात है जो आप सेंडर रिसीवर के दरमियान जो भी मौसलात कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मैसेज का तो होना वो ज़रूरी है, तो ये मैसेज ओरिएंटेड भी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें आपके पास क्राइटेरिया है कि बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। जब ये क्योंकि ये इजी टू यूज़ है और इजी ट्रांसफरेबल डाटा फ्रॉम वन एंड टू सेकंड जो क्राइटेरिया है, तो उसमें ये आपकी जो डिलीवरी है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म की जाती है। और नेक्स्ट है आर्बिट्री इंटरेक्शन। आर्बिट्री इंटरेक्शन में बेसिकली हम कम्बिनेशन देखते हैं जिसमें हम रिलेशन कराते हैं वन टू वन का, वन टू मैनी का, मैनी टू वन का, मैनी टू मैनी का, इसका रिलेशन हम पढ़ते देखेंगे स्लाइड में, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, कनेक्शनलेस करेक्टरिस्टिक्स, मैसेज ओरिएंटेड करेक्टरिस्टिक्स, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी और आर्बिट्री इंटरेक्शंस, और लास्ट आया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। जैसा कि आपको पता है कि इन तमाम चीज़ों का आपस में यूडीपी में बहुत ज़्यादा तल्लुक है, क्योंकि अगर आरबीटी इंटरेक्शन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डील ना करे तो वो तमाम कंट्रोल सिस्टम जीरो हो जाए, क्योंकि आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, और एक कम्युनिकेशन मौसलात है ब्रिज जो कि आपको यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन कराता है, तभी हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट कहा जाता है।